आप देख रहे हैं बियानी टीवी, बात में दम है। नमस्कार, बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम एक खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है कुलदीप और हिंदुस्तान की हर लड़की यही बात कहती होगी जब उनका चेहरा सामने आता होगा। मेरे साथ है ठाकुर अनम सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया, थैंक यू। एक ऐसी शख्सियत जिनको पूरा वर्ल्ड बहुत अच्छे से जानता है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आज जयपुर में आके बियानी टीवी के इस खास प्रोग्राम में आके उन्होंने हमारा दिल और ज्यादा गार्डन कर दिया। सर सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक सवाल जिससे शुरुआत होती है इन जनरल, की जयपुर एक ऐसी जगह जिसको पूरा हिंदुस्तानी पूरा वर्ल्ड बहुत प्यार करता है, क्या आप यहाँ पहली बार आ रहे हैं? मैं यहाँ तीसरी बार आ रहा हूँ। मेरी पैदाइशी मुंबई की है, लेकिन मेरे पूर्वज, मैं ठाकुर यानी राजपूत हूँ, प्योर राजपूत हैं हम लोग, और उदयपुर के हमारे पूर्वज सारे उदयपुर के रह चुके हैं। पाली सुमेरपुर में भी हमारे काफ़ी रिश्तेदार रहते हैं। तो वैसे तो मैं बचपन से ही, मेरी इच्छा थी कि मैं राजस्थान आऊँ, क्योंकि मुझे इस स्टेट से ही बड़ा लगाव है, बड़ा प्यार रहा है, और कभी आने का मौका नहीं मिला। लेकिन उस वक्त काफ़ी स्टोरीज, जैसे महाराणा प्रताप की स्टोरीज हम पढ़ते थे एज अ चाइल्ड, तो बड़ा इंटरेस्ट लगता था, बिकॉज ये हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़कर हमेशा एक ही इच्छा आती थी कि कभी किसी दिन मैं विजिट भी करूँ। 2010 में एक स्टूडेंट था मैं, तब मैं अपने फैमिली के साथ पहली बार जोधपुर, जैसलमेर और पाली, उदयपुर और जयपुर फाइनली आया। जयपुर के आमेर किले में मैंने ठाना कि बहुत ही खूबसूरत जगह है और मुझे दोबारा आना है यहाँ पर। सेकेंड टाइम मैं अपनी महाभारत की शूटिंग करने आया था यहाँ, वो एक दूसरी मेमोरी थी मेरी वहाँ की। और ये अब तीन या चार साल बाद कुछ और बड़ा अचीव करके मैं अपने राजस्थान आया हूँ, और वाकई बहुत प्यार है मुझे इस जगह से, क्योंकि ऐसा लगता है कि पिछले कई जन्मों पहले मैं यहाँ रह चुका हूँ। सही मायने में इतना अटैचमेंट आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ के लोगों से, यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर से, यहाँ के मॉन्यूमेंट्स, पहाड़ और ये सारे फोर्ट देखता हूँ तो ऐसा लगता है बस यहीं का था मैं हमेशा से, क्योंकि हमें मुंबई में सिटी लाइट्स और वो सब की इतनी आदत है, शोर शराबे की इतनी आदत है, वहाँ पे लाइफ इतनी फास्ट है, हमारा दिन वहाँ पर स्केड्यूल पूरा तय होता है एक दिन पहले, हमें पता होता है कि सुबह 7 बजे उठ के हमें वहाँ जाना है, वहाँ से हमें ये करना है, यहाँ से उन्हें ये करना है, तो घर आते आते हमें सारे काम खत्म करके मुझे घर आते आते 10:30-11 बज जाते हैं, और फिर हमें वही 5-6 घंटे की नींद। जयपुर आने के बाद ऐसा लगता है कि बस अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर दो, साइड में रख दो, और बस खिड़की के बाहर जैसे हम सड़क पर जा रहे हैं बस देखते जाओ। सर पायलट एक वो इंसान होता है जो लोगों को उड़ाता है, आप पायलट थे जी, एक्टर बनने का सपना क्या उसी वक्त आ गया जब आप पायलट थे, या फिर बचपन से ख्वाहिश थी कि आपको एक्टर? बचपन से ख्वाहिश तो थी, लेकिन मेरे पिताजी कहते थे कि जब मैं कहता था कि मुझे एक्टर बनना है तो हंस देते थे पिताजी मम्मी, कि बोले ये एक्टर कोई प्रोफेशन नहीं होता है, शौक होता है, प्रोफेशन तो एविएशन पायलट साइंटिस्ट और ये सब चीज़ों का होता है। और उस वक्त मैंने ये बात बिलीव भी कर ली थी कि शायद सही कह रहे हैं, इसलिए मैं पायलट बन भी गया। लेकिन मैं बाद में मुझे ये फैसला लेना पड़ा, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आए जहाँ पर मुझे रिसेशन भी आया था, तो उस वक्त काफ़ी कठोर डिसीजंस लेने पड़े थे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी जो पैशन जो अभी मरा नहीं है मेरा, उसे मैं एक और बार कोशिश करूँ। और उसके बाद जब सफलता मिली तब मैंने समझ लिया था कि जिंदगी में भी बिना प्लेन के आप उड़ सकते हैं, आपको प्लेन की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी के कप्तान खुद ही हैं। और वहाँ से मैंने शुरू किया अपना, तो आई थिंक जो मैंने किया है, कभी कभार ये होता है ना कि हम डेस्टिनी हमें कहीं और ले जाती है और हम किसी चीज़ की पढ़ाई कर, जैसे कोई कुछ एक्टर्स तो IIT इंजीनियरिंग कर रहे थे, वो आज सक्सेसफुल अभिनेता हैं, सब छोड़ छाड़ के। उस वक्त उनके दौर में भी, ये ज़िंदगी के उस दौर में भी बहुत कड़क डिसीजन लेना पड़ा होगा उन्हें, जहाँ घर वालों ने उन्हें कहा होगा कि ये क्या कर रहे हो तुम। सिमिलरली वैसी एक स्टोरी मेरे साथ हुई, घर वालों को लगा था कि ये क्या कर रहा है, अचानक से एविएशन पायलट का करियर छोड़कर कहाँ एक्टिंग में जा रहा है। और आई थिंक आज मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ कि वो डिसीजन मैंने उस वक्त इसलिए लिया था ताकि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठ सकूँ। सर जैसे फिल्म एक्टिंग की यदि हम बात करें तो उसमें बहुत स्ट्रगल होता है जी। मैं लास्ट टाइम जिस रेडियो स्टेशन के लिए काम कर रहा था वहाँ नवाजुद्दीन से मेरी बात हुई जी। तो मैंने कहा 15 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है इंसान की जिंदगी में स्ट्रगल करना, तो आपके जीवन में भी क्या ये आई चीजें कि आपको स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर रणवीर सिंह की तरह आपको भी कास्टिंग काउच का शिकार होना पड़ा? जी स्ट्रगल हर एक्टर के लाइफ में होता है, वो कितना भी सुलझा हो या कितना भी उसे आखिर एक्टिंग करना तो उसे अब खुद ही होता है। और वाकई मुझे तो एक्टिंग का ये भी नहीं पता था उस वक्त, क्योंकि मैं सिर्फ प्लेन उड़ाना जानता था। आने के बाद जब मैंने फैसला किया कि मुझे एक्टर बनना है तो मुझे कुछ नहीं पता था, ये लाइट्स वाइट्स और ये कैमरा देखकर मैं डर जाता था, क्योंकि पीछे उसके जो लोग खड़े हैं
वो लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सोच में मैं ज्यादा व्यस्त होता था, उस चक्कर में परफॉर्म नहीं कर पाता था, तो आवाज अटकना, डायलॉग्स अटकना, ये सब चीजें होती थी। जब बाद में मैंने अपने आप को समर्पण, वो कहते हैं ना आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण किसी कला को आप समर्पित कर दो अपने आप को, मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया ये बोल के कि बस अब कुछ भी हो जाए, कितने भी रिजेक्शन आए लाइफ में, मैं उस काम को, उस पर्टिकुलर रोल जो जिस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, उस चीज़ को मैं अपना 100 गुना दे कर देखना चाहता हूँ। और हुआ भी वही, 129 बार रिजेक्ट किया गया था मैं एक साल में। हर प्रोडक्शन हाउस से मुझे उस वक्त टेलीविजन पे, उस वक्त मेरी जिद टेलीविजन पे आने की थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं फिल्मों में एक दिन आऊँगा। मैंने कहा टेलीविजन के मुझे कॉन्टैक्ट्स मिल नहीं रहे, मैं फिल्मों के कॉन्टैक्ट्स तक कौन कहाँ कैसे पहुँचूंगा, आगे का रास्ता कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन बस कोशिश ये थी कि किसी तरह मैं अपने घर वालों के विशेष के अगेंस्ट मैं उन्हें प्रूव कर दूं कि मैं एक एक्टर बन सकता हूं, मैं टीवी पे आ जाऊं। एक झलक एक एपिसोड में एक दिन मैं आ गया था कहीं, और वो देखकर मेरी माँ बहुत मुस्कुराई, बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जो मैंने सोचा कि मम्मी मुझे ये करना है, मम्मी कहती थी कि तू कर लेगा, मैं हूँ ना तेरे साथ, तू कर लेगा। बाकी इवन डैडी भी अगर कहते कि नहीं ये सब तू टाइम वेस्ट कर रहा है, तब भी तो उनकी मुस्कुराहट देखकर, जब एपिसोड देखा मैंने उनके साथ देखकर, इतने लोगों को फ़ोन करना कि मेरा देखो अनूप आ रहा है, बेटा आ रहा है, बेटा आ रहा है करके, वो जो फीलिंग होती है ना बड़ी, वो बहुत ही इमोशनली स्ट्रांग फीलिंग होती है, जहाँ आपकी माँ आपको आपका काम देखकर गर्वित महसूस करे, उससे बड़ी खूबसूरत फीलिंग और कोई नहीं हो सकती। और वहीं से मैंने ठाना कि अब मैं कुछ बड़ा करूँगा, इसके बाद हर रोल जो मैं करूँगा वो पिछले वाले से ज़्यादा बड़ा होगा परफॉर्मेंस वाइज में। और परफॉर्म करता रहा करता रहा, चुपचाप अपना कर्म करता रहा। टेलीविजन में 10-12 शोज कब हो गए पता नहीं चला। अब उसके बाद क्या आगे क्या, अब सिर्फ टेलीविजन पे तो परफॉर्मेंस का स्कोप इतना नहीं होता, क्योंकि 22 मिनट के एपिसोड में ब्रेक्स मिलाकर आपको ज़्यादा परफॉर्म करने का मौका नहीं मिलता, क्लोजेज होते हैं। तो ये सोचा कि किसी ने फिर सजेस्ट किया फिल्मों में, अब फिल्मों की स्ट्रगल टेलीविजन की स्ट्रगल से बहुत अलग होती है। वहाँ पर कैसा है, आपने अगर 100 टेलीविजन शोज कर लिए और पहली फिल्म करी तो वो आपके लिए पहली फिल्म कहलाई जाएगी, आपका एक्सपीरियंस 0, क्योंकि वो वापस है शुरुआत से है। और वही हुआ कि मेरा मिस्टर वर्ल्ड और वो बॉडी बिल्डिंग में आने का फैसला जो था महाभारत के बाद, वो मेरे लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहा, क्योंकि वो फिजिक और वो लुक और ये बाल और ये मूस्टाच, ये सारी चीज़ें साउथ फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी उनको चाहिए थी। ये दौर ऐसा था जहाँ पर उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विलन इंडस्ट्री में कदम रख उनको इंट्रोड्यूस करना था, और वैसे विलन जो ऑलरेडी बहुत आ चुके थे, जो वो तो थे ही अच्छे खासे दिग्गज, अच्छे इस्टेब्लिश थे, लेकिन उन्हें कोई न्यू फेस चाहिए था जो स्ट्रॉन्ग कर सके। और मैं हूँ काम का भूखा, मैं मुझे सिर्फ काम की भूख लगती, क्योंकि मुझे पैसा वैसा और दौलत ये सब आप सब कमा लेंगे, लेकिन अगर काम से आप सेटिस्फाइड ना रहें, काम से आप सेटिस्फाइड कभी ना रहें, ये मैं चाहता हूँ। क्योंकि जिस दिन आप काम से सेटिस्फाइड हो जाएं, उस दिन आप सब छोड़ छाड़ के एक जगह पर बैठ जाते हैं, मैं समझता हूँ। और वो पैशन हमेशा रहना चाहिए। मैं आज भी हर काम के लिए मैं स्वयं हर प्रोड्यूसर के पास जाके बैठता हूँ, मुझे कोई मैसा मेरा कोई पर्टिकुलर मैनेजर नहीं है, मैं क्योंकि काम मुझे करना है, दिखने वाला मैं हूँ, देखने वाले मुझे हैं, और मैं अगर बोलूँगा कि नहीं वो आएगा, वो मेरे पास वो आएगा, घमंड नहीं है इस चीज़ का। ये चीज़ मैंने सीखा है अपने काम से, क्योंकि आप जितना सीरियस अपने एक काम के साथ रहते हैं, आपका पहला काम आपके लिए दूसरा काम ले आता है। क्योंकि जहाँ आप अगर फॉर एग्जाम्पल ये हम पर्टिकुलर इंटरव्यू कर रहे हैं, अगर यहाँ पर एज ए रिपोर्टर आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया, आप रेकमेंड किए जाएंगे कहीं और, आप दूसरा शो करेंगे, इससे भी बहुत बड़ा शो करेंगे और भी ज़्यादा। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो मैं बस वहीं से फिल्म इंडस्ट्री में, फिर मैंने साउथ इंडस्ट्री में कदम रखा पहली बार। ये साउथ इंडस्ट्री का शब्द ही गलत है, इसे कहते हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। यहाँ पर सब एक हैं, सिर्फ लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। और मैंने समझ लिया था कि तेलुगु और तमिल और कन्नड़ा में अगर मुझे आना है, तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है मैं बोल सकता हूँ कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती या फिर मुझे दिक्कत है। अगर लैंग्वेज नहीं आती और सब इतनी सारी दिक्कत है, तो फिर काम मत करो, मेरा मन ये कहता है मुझे इसमें। तो उस चीज़ को मनाना कि नहीं मैं अब करके रहूँगा, तो उस लैंग्वेज को भी सीखी मैंने। 5-5 घंटे की माँ सरस्वती का मुझे आशीर्वाद है कि मैं 5-5 घंटे मैं पढ़ाई करता था बैठ के और डायलॉग्स करता था, और अगले दिन जाके मैंने सिंगम 3 के डायलॉग्स ऐसे ही मैंने पूरे तमिल में बोले हैं, पूरी आवाज़ डबिंग करी अपनी। फिर वैसे ही तेलुगु के मूवीज़, और अभी भी आने वाली फिल्म है नापेरु सूर्या एक अल्लू अर्जुन के अपोजिट में, उसमें हिंदी और तेलुगु दोनों में वो लोग कोशिश कर रहे हैं अभी रिलीज़ करने की। अगर तेलुगु में भी है, मैं अपनी आवाज़ में डब कर रहा हूँ। तो हर चीज़ में स्ट्रगल है, ऐसा कभी सोचने वाली ये बेवकूफ़ी होगी किसी की भी जो सोचता है कि मेरी फील्ड में स्ट्रगल नहीं है। कहते हैं गुलजार साहब की दो लाइनें मुझे इस पर आपकी याद आती हैं, आप कहते हैं कि मैं घमंड नहीं करता,
किसी चीज का एटीट्यूड जी नहीं। सरदार साहब कहते हैं कि मैं कभी भी उस ऊंची कुर्सी पे नहीं बैठता जिससे मेरे पांव जमीन पे ना टिके, तो ये रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं, क्योंकि जो स्क्रैच से आया है उसे उस चीज की वैल्यू तो है, उसकी वैल्यू पता है। मैं जानता हूं कि मैं कितनी मेहनत करके यहां तक पहुंच पाया हूं। अभी अनुप, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जयपुर में जवाहर कला केंद्र और रविंद्र मंच है थिएटर के लिए, बहुत से बच्चे वहाँ सीखते हैं और उनका नेक्स्ट ड्रीम होता है कि वो मुंबई जाए। मुंबई जाने के बाद में बहुत टाइम स्ट्रगल करते हैं, हार के फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन जब वो वापस आते हैं तो उनकी वो जुनूनियत, उनका वो कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता है। तो ऐसे स्ट्रगलर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हैं, कहाँ आपकी अपब्रिंगिंग या फिर आपकी परिस्थितियाँ क्या हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि आपके पास टैलेंट कितना है और आपके पास जिद कितनी है अपने आप को प्रूव करने की। मुंबई आना, जी मैं मानता हूँ मुंबई आना एक फाइनेंशियली स्ट्रेस भी होता है, थोड़े आपको पैसे उसमें पहले तो जुगाड़ करने पड़ते हैं। जुगाड़ हम इसलिए कहते हैं, मुंबई की भाषा ये, क्योंकि पैसों की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर एक बार आपका अगर खाना पीना और रेंट रहना ये अगर सेट हो गया है तो आपकी बात, वो टेंशन तो चली गई आपके दिमाग से कि आपके ऊपर छत है और खाने के लिए दो टाइम की रोटी है। अब आया ये कि आप इसके बाद कॉन्टैक्ट्स बनाना, तो ये एक प्रोसेस है। मैं आप सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि इस चीज़ का रिसर्च करके आप मुंबई आएँ, बिना इसके आप मुंबई सीधा आ जाएं ये सोच के कि मैं बन जाऊंगा करके, तो मुंबई पहले 10 साल आपको बहुत नचाती है। मैं आपको बता दूं, 10 साल आपको बहुत नचाएगी, आपको बहुत परिश्रम करवाएगी, लेकिन अगर आप 11वें साल में टिक गए और वापस नहीं जाएं, उसके बाद आप कुछ बंद कर ही वापस लौटेंगे। मेरे कुछ मित्र हैं जो लखनऊ से हैं और कुछ उसी के आसपास भोपाल इंदौर से हैं, वो आए हैं और मुंबई आए थे। मैं उनका उदाहरण देना चाहूँगा, ऐसे ही स्मॉल टाउन से आए थे, वो भी सपना लेकर ही आए थे, और एक मोमेंट के बाद एक शो नहीं मिल रहा था उन्हें या शो रिजेक्शन आ रही थी, एक शो में तो वो एक्सेप्ट भी हो गए थे और शूटिंग स्टार्ट होने वाली थी, और पिछले दिन एक रात पहले उनके रिप्लेस कर दिया गया। उन्होंने हार मान ली, वैसे ही वो कह रहे थे कि मैं वापस जा रहा हूँ, बोरिया बिस्तर बांध लिया था, उनके पास रेंट तक के पैसे नहीं थे। उस वक्त मैंने उनको यही कहा कि यहाँ से जाओगे तो जो एक 0.1% चांस है तुम्हारा, वो भी तुम्हारे साथ हमेशा से खो जाएगा। अब मत जाओ, यहाँ तुम रोक लो अपने आप को कैसे भी। उस शख्स ने अब मेरी वो बात सुनकर और काफ़ी सोचने के बाद वो स्टेशन से वापस अपने घर गया, उसने फिर स्ट्रगल किया। आज वो वन ऑफ द बेस्ट और बिजिएस्ट एक्टर्स है, आज उसके पास खुद वक्त नहीं है मुझसे मिलने के लिए। तो ये होती है बात, ये होती है जिद, यहीं से आती है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सबसे पहले थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट आप लोगों को चाहिए, अपने माता पिता से बात करें आप कितने सीरियस हैं अपने इस ड्रीम को लेकर, उन्हें कन्विंस करें। एक बार आपने उन्हें कन्विंस कर दिया, वो आपके सपनों में बिलीव करते हैं, उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेज आएगा कि आप कब मुंबई आएंगे। मुंबई आने के बाद एक जगह देखनी पड़ेगी, वन रूम किचन भी मिल गया कोई बात नहीं, आपको सिर्फ 6 घंटे सोने के लिए चाहिए, ये सोच के आइएगा। मौज मस्ती पार्टी करने के लिए उन लोगों के लिए जगह नहीं है ये, क्योंकि मुंबई आप लोगों को ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर एक चीज़ की उसकी लत लग गई तो फिर आप वो सर्कल में रह जाएंगे। आप अगर अपने ड्रीम्स को लेकर बड़े सीरियस हैं, पहले बन लो, कुछ प्रूव कर लो अपने आप को, क्योंकि एक्टिंग ही एक चीज़ अगर आपको आती, बाद में ये सब पैसा कमाना शौक पानी वो सब ज़िंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन जब लोग ही नहीं जानेंगे आपको आपकी कला को, तो फ़ायदा क्या है यहाँ पर इतने दूर आने का। तो सबसे पहले जैसा मैंने कहा, स्टे का आप देख लेना, आने के बाद फिर कॉन्टैक्ट्स आप लिस्ट आप कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्टैक्ट्स भी चाहिए गूगल पे डालो यार, प्रोडक्शन हाउसेज के नाम डालो, सारे A to Z सारे प्रोडक्शन हाउसेज के नाम आ जाएंगे, सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स आ जाएंगे, ईमेल एड्रेसेस आ जाएंगे। अपनी प्रोफाइल भेजो, अपने फोटोज भेजो और कम्युनिकेशन स्किल पे काम करिए। छोटे टाउन से हैं लेकिन ये दिखाना की ज़रूरत नहीं है कि मैं जयपुर से हूँ या मैं यहाँ से हूँ, मैं इस गाँव से हूँ, मैं बांसवाड़ा से हूँ, मैं वहाँ से हूँ। आपकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, आपके रहन सहन, आपके आपका बोलने का तरीका, ये बहुत मायने रखता है। एक पर्टिकुलर आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल, जितने भी स्ट्रगलिंग एक्टर्स हैं आप अपने आप को कंडक्ट इस तरीके से करिए कि आप बहुत ही सुलझे हुए हैं, आपकी आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर काम आती है, आपकी अपब्रिंगिंग आपकी पढ़ाई यहाँ पर काम आती है। जैसा आप अपने आप को सब लोगों के सामने कंडक्ट करोगे वैसे आप एनर्जी उनके सामने प्रोजेक्ट करोगे। जैसे आप एनर्जी प्रोजेक्ट करोगे समझ लो वो पॉजिटिव, वो बंदे को एक शख्स को आपकी पर्सनैलिटी पसंद आ गई वो आपको याद रखेगा। इंडस्ट्री छोटी है, हर आदमी यहाँ पर दूसरे आदमी को दोबारा ज़रूर मिलेगा 2-3 महीने के बाद, कहीं ना कहीं किसी ना किसी शो में, किसी ना किसी पार्टी में। ये मैंने ऑब्जर्व किया है यहाँ पर कि जो लोग, जिन लोगों को मैं देखकर आइडलाइज करता था एक टाइम पर जब मैं स्ट्रगलिंग टेलीविजन पे कर रहा था स्ट्रगल, मैंने एक सेट पर एक टेलीविजन एक्टर को देखा था और वो वहाँ पर शूटिंग कर रहा था और मैं उसके साथ फैसिनेटेड था कि वाओ दिस इज़ अमेजिंग, और उस शख्स ने मुझे फ़ोटो तक नहीं दी थी उस टाइम पर, क्योंकि मैं बहुत बुरा हो गया था, मतलब मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि मैं एक फ़ोटो के लिए गया और मुझे मना कर दिया गया ये वो करके। अब इत्तेफाक देखिए, इतने साल बाद एक मंच पर हम दोनों साथ में चीफ गेस्ट खड़े हैं, जहां मैंने ये बात कही कि ऐसा सा मुझे हुआ, वो शख्स आके मुझसे गले मिले और फिर हमने फ़ोटो ली साथ में।
तो ऐसा है, आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ेगी, आपको कोई बोलेगा नहीं यहाँ पर. एंड थर्ड इज आपकी एक्टिंग. हर ऑडिशन में आप जब जाएंगे बॉम्बे आने के बाद, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, हर ऑडिशन में जब आप जाएंगे बॉम्बे आने के बाद, ये ना सोचें कि मेरा सिलेक्शन होगा या ना होगा. ये बिल्कुल प्रिपेयर्ड होकर आइएगा कि मेरा सिलेक्शन ना होगा, नहीं होगा. जब आप समझ लेते हैं अपने अंदर ये सोच के, अगर आप कर्म करेंगे तो आप 100% देंगे, आपके अंदर वो डर नहीं होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा, ये सोच के हम ऑडिशन दे देते हैं. आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त बोलेगा और वो कैमरा के सामने बोलेगा. वो जब आप होता है तब आप लोगों को, क्योंकि आपकी उम्मीद ही नहीं रहती, एक्सपेक्टेशन ही नहीं रहती. भगवद गीता क्या कहती है कि कर्म करो और बिल्कुल फल की चिंता ना करो. ये बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में एकदम एप्ट बैठती है. आप सिर्फ कर्म करिए, अपना काम करिए, एक्टिंग करिए, कैमरा के सामने परफॉर्म करिए, लोगों को देखने दीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, आपकी शक्ल क्या है, आपके कैसे दिखते हैं, और सीधा अपना नाम नंबर देके निकल जाइए. बस इसके बाद आपकी किस्मत एक ना एक दिन खुद मुस्कुराएगी और आप आगे आएंगे. जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में. मेरी ये साल 5 से 6 फिल्में रिलीज होने वाली हैं. पहली फिल्म अभी एक तेलुगु फिल्म है जो यहाँ पर भी रिलीज़ होगी, उसका नाम है आचार्य अमेरिका यात्रा. ये मंचू विष्णु करके एक हीरो हैं, उनके ऑपोजिट में मैं आ रहा हूँ. प्रदीप रावत जो गजनी बने थे वो मेरे फादर हैं इस फिल्म में. 6 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है, बहुत ग्रैंड तरीके से रिलीज़ होगी. उसमें मेरी एंट्री वगैरह बहुत खूबसूरत दिखाई. इट्स अ कॉमेडी फिल्म और वो बाद में हिंदी में डब होकर तो आएगी आएगी, लेकिन अभी भी अगर आई तो देखिएगा. सेकेंड फिल्म मेरी 4 मई को आ रही है, ना पेरु सूर्या, यानी कि माई नेम इज सूर्या. वो तमिल, मलयालम, हिंदी और तेलुगू ऐसे सब लैंग्वेजेस में उन लोगों का प्लान है रिलीज़ करने का सो फार. और उसमें भी एज अ मेन विलन ऑपोजिट में मैं आ रहा हूँ अल्लू अर्जुन सर के. वो भी एक बहुत ही ज़बरदस्त हार्ड कोर एक्शन फिल्म है. उसके बाद मेरी मई में ही एक मराठी फिल्म आ रही है, तो मैं बहुत ही रीजनल फिल्म भी कर रहा हूँ. मराठी फिल्म में एज अ हीरो आ रहा हूँ. और उसके बाद एक साउथ फिल्म मैंने साइन करी जिसकी शूट चालू है इस वक्त, तेलुगु फिल्म है, उसमें एज अ हीरो मैं पहली बार एंटर हो रहा हूँ. फिर एक कन्नड़ा फिल्म है और फाइनली मेरी सिंगम 3, किसी अगर आप लोगों ने देखी होगी, उसका हिंदी रीमेक बनने जा रहा है. ये साल वो शुरू होगी, अगस्त में जाएगी ऑन फ्लोर. उसकी शूटिंग भी भोपाल साइड में ही कहीं है इस वक्त. वो उसमें सनी पाजी हैं, सनी देओल सर हैं उसमें एज अ मेन हीरो, और मैं उनके ऑपोजिट में वही रोल विट्ठल का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ एज द मेन विलन. तो ये सारी प्रोजेक्ट्स के लाइनअप हैं. तो आशा करता हूँ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा. आई होप. देखते रहिए हमारे साथ एक प्रोग्राम खास मुलाकात. मेरा नाम है कुलदीप और आज हमारे गेस्ट थे ठाकुर अनूप सिंह. फिर मुलाकात करेंगे सर, और अनूप ने हमसे वादा किया कि जब भी वो जयपुर आएंगे हमसे जरूर मुलाकात करेंगे. थैंक यू सो मच सर. शुक्रिया.